तो यार आज अपन रिएक्ट करने वाले हैं जेएनयू पे, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। और इसका टीजर आया, टीजर पे रिएक्ट करेंगे। काफी हाइप्ड मूवी है, बोला जाए तो काफी उम्मीदें हैं लोगों को, काफी एक्सपेक्टेड इसका जो टर्नओवर होने वाला है बहुत सही होगा। और अभी क्या, अभी ट्रेंड सा चला हुआ, अभी जैसे बहुत सारी थीम्स इसी टाइप से मिलती जुलती थीम्स पे मूवीज आ रही हैं। अभी तो समय है और अभी इलेक्शन का टाइम भी आ रहा है, तो ये सब तो आएगा ही है। हालांकि इस मूवी से बहुत लोगों को उम्मीद है कि एक्चुअल में जेएनयू में कैसा क्या होता है, वो थोड़ा सा कुछ उनको समझ आएगा। तो चलो चलते हैं, टीजर देखते हैं इसका, फिर टीजर देखते देखते बातें भी करेंगे। चलो तो मिलते हैं टीजर पे। हिंदुस्तान की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जेएनयू, यहाँ के कुछ होनहार शिक्षक और छात्र अपने क्लासरूम में कम, समाचारों की सुर्खियों में ज्यादा पाए जाते ये हैं। तो रियली क्लिप्स है ना। एंटी नेशनल स्टूडेंट्स कंडक्टिंग प्रोटेस्ट। क्या जेएनयू राष्ट्र विरोधियों का गढ़ है? भारत तेरे टुकड़े होंगे। सुनो बे, आज हमारी संस्कृति और हमारी अखंडता पे उंगली उठ रही है। ये लेफ्ट वालों का जो देश विरोधी एजेंडा है ना, ना जेएनयू अच्छा, में बर्दाश्त किया भी जाएगा है ना देश में। जय श्री राम। मोदी जी का फोटो लगा। इलेक्शन जीतने के लिए जो जरूरत पड़े वो करो। पाकिस्तान का वीजा मिलना आसान है, पर जेएनयू का वीजा मिलना मुश्किल है। जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी कि यहाँ के मगरमच्छ हम हैं, इसीलिए हमारे साथ रहने में समझदारी है, क्योंकि तो जेएनयू में सरकार April 5, 2024। ये था टीजर जेएनयू का मूवी। ये भी बहुत ये अच्छी होगी मूवी। आजकल अच्छा ये सब जो थीम्स की मूवी आ रही है, नेशनलिस्ट बोला जाए इनको मूवीज को, तो ये जो बेसिकली जो छोटे प्रोडक्शन हाउसेस हैं वहां से आ रही है, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से नहीं आ रही, ये भी एक देखने वाली बात है। और ये छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस मूवीज ऐसी बना बना रहे हैं और उनको इसका काफी सारा अच्छा, मतलब देखने भी रिस्पॉन्स भी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो मेरे को भी सही लगा इसका टीजर। काफी सारे रियल क्लिप्स भी हैं, कन्हैया वाला भी जो था उन्होंने थोड़ा सा उससे कॉपी किया है, मोदी जी के बीच में एक फोटो भी दिखी थी हमें, तो टीजर सही लग रहा है इसका। 2015 से लेकर जो 2016 के बीच में जैसे जेएनयू में जो जो घटनाक्रम होता है वो सब कवर किया है शायद इसमें। उर्वशी है इसमें, तो थोड़ा सा ग्लैमर कंटेंट भी मिल जाएगा, और एक पर्टिकुलर जो वर्ग है वो इसको जरूर देखेगा मूवीज को। तो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मुझे तो बहुत पसंद आया। और देखते हैं आगे, जैसे इसका कुछ ट्रेलर वगैरह कुछ और भी आता है तो हम उस पर भी रिएक्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड कीप सब्सक्राइबिंग।